अक्टूबर माह की बैठक को निरस्त करने के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने भाजपा पार्षदों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सोमवार धरना देने की चेतावनी दी। निवेदन हमारा ये है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। पांचों पॉइंट पर सीमन के सामने नगर पालिका पार्षद की ओर मांगी गई जानकारी बार बार लिखी ठीक है, पर जिसकी बैठक 1/10/2019 का निर्णय आज दिनांक 23 ठीक है। जैसे श्री दुर्गादास जी राठौर, श्री महात्मा फुले, श्री शिवाजी महाराज पूर्व राष्ट्रपति, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूर्व प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी आदित्य क्योंकि हमारे यहाँ फाइल आई और गई चली गई, हमारे पास 5 फाइलें पड़ी टेबल उसके अलावा, वो भी अभी निपटा दूंगा, बात करते जाता हूँ, और 4 आदमी गए बीच में, मैं 2 मिनट एजीएम साहब आज निपटा देंगे उनके पास, होगी नहीं क्योंकि मेरे पास कुरवाई की अभी आई थी, कल रात में आई थी, सुबह चली गई। देखिए मैं तो 2 लाइन लिखता हूँ, वही जो सीएमओ गड़बड़ करते हैं वही मेरे पास रहते हैं, इसलिए मैं उसमें ठीक लिख देता हूँ डीपीआर में जो नाम है, क्योंकि भारत सरकार ने अप्रूव किया है नाम। अब कलेक्टर कभी यहाँ पे ऐसा निर्णय आपने कर रखी है पूरी नगर पालिका को लेकर, और इसलिए हमारा ये निवेदन है कि ये नगर पालिका पिछले 1 साल से कुछ कर नहीं पा रही, उससे नगर पालिका की छवि खराब हो रही है, और जनता के लिए जो जिम्मेदारियां हैं हमारी जो सेवा देने की वो प्रभावित हो रही है। देखिए हम तो नगर पालिका हमारा ये देखिए क्या है, हम नगर पालिका काम में हस्तक्षेप नहीं करते, हमारे पास जो शिकायत आता है हम तो कहते हैं जनता का काम टाइम पे करते हैं। आप शिकायत में सबसे ज्यादा नगर पालिका को चमका देते हो, ये समाचार पत्र में छप जाता है नगर पालिका की स्थिति हुई, नगर पालिका की इमेज खराब हो रही है पूरी तरह। चुनाव के बाद लगातार जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, विधायक जी नगर पालिका में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जनता के जो काम हैं वो सीधा प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, नगर पालिका की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में परिषद की जो बैठक हुई थी आप सबके ज्ञान में है, उसमें नगर से जुड़े हुए सारे विकास के मुद्दे थे, जैसे विदिशा शहर में संपूर्ण विकास पिछले माननीय शिवराज जी की सरकार ने 4 साल में किया है, एक महत्वपूर्ण काम जो रह गया था वो जो खमसान है वहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, शहर काफ़ी बढ़ गया है, कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि 10-10 जो है सब एक साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी अंतिम क्रियाक्रम में परेशानी जाती है, उसको हमको व्यवस्थित करना था, वो 2.5 करोड़ रुपए का काम हम वो करना चाहते थे, उसके लिए हमने राशि भी आरक्षित कर रखी थी, मगर विधायक जी को ये लगता है कि सब काम नगर पालिका परिषद कर देगी तो वो क्या कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है वो पिछले 1.5 साल में वो कुछ कर भी नहीं पाए हैं, और उन्होंने ये सारी जो हमारी बैठक है उसको निलंबित करा के शासन पे दबाव डाल के आज तक उसका निर्णय नहीं होने दिया जा रहा, जबकि हम विधायक जी को ये कह चुके हैं कि हम आपकी ही बात मान लेते हैं, हमने एक्सपर्ट से भी सलाह ली, हम उसको निरस्त करके दोबारा बैठक कर लेते, मगर उसमें टेक्निकली मामला ये है कि हम उन मुद्दों को दोबारा बैठक में नहीं ले सकते जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता, इस टेक्निकल जो कमजोरी का फायदा लेकर विधायक जी उसको लटकाए हुए हैं। बार बार प्रयास करने के बाद कलेक्टर साहब को भी हमने कहा, आंदोलन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी, मगर उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि उनका मुझे लगता है कि विदिशा के विकास से कोई सरोकार नहीं है, और वो पूर्णता अपनी राजनीतिक जो है विचारधारा से काम विदिशा शहर को लेकर कर रहे हैं, वो मुझे लगता है वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उस शहर से ना तो उनका जन्म हुआ है ना शहर से उनका किसी प्रकार का लगाव रहा है, वो एक व्यवसायिक के रूप में विदिशा में अपना व्यवसाय करने आए थे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते और वो विधायक बन गए हैं, इसलिए इस जन्मभूमि विदिशा की जन्मभूमि से मुझे लगता है उनका कोई सरोकार है नहीं, और वो इसी प्रकार से सारे विकास के कार्य रोक रहे हैं। नगर पालिका परिषद में हमने 400 कर्मचारी हमारे जो है वो सफाई कर्मचारी अगर होते तो रेटिंग में आज विदिशा का नाम ऊंचा होता, उन्होंने विदिशा की छवि धूमिल करने का जो 400 कर्मचारी का जो प्रस्ताव रुकवा कर धूमिल करने का प्रयास किया है, वैसे ही महापुरुषों की मूर्ति हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, हमारे घोषणा पत्र में था और हमने परिषद में पास भी कर रखा है, उन मूर्तियों के टेंडर विधायक पर उस पर सीएमओ पर दबाव डालकर उसको निरस्त करा रहे हैं, और हर चीज में वहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ बैठकर तरह तरह के जो उल्टे सीधे काम है वो आप सब लोग जानते हैं। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं बात करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है क्योंकि विधायक जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं शहर में, प्रशासन भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दबाव में काम करता है,
और उनके दबाव के चलते हुए हमारे शहर का पूरा विकास प्रभावित होगा। चलिए उनके दबाव, इसलिए अगर वो नहीं होगा तो अब हम जनता के बीच में सीधा जाएंगे। सोमवार को हम अनुमति लेकर यहाँ पर धरना देंगे अपने परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उसके बाद पार्टी के साथ बैठकर हम रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे शहर में जिस प्रकार के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, ये शहर की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, शहर के साथ अन्याय हो रहा है, जो हम किसी की मदद। पूर्व में भी ताले लगाए गए थे नगर पालिका में, देखिए हमने सारे प्रयास करके देख लिए, मगर विधायक जी के कान में जू नहीं रंग रही। हमको बार बार कहते हैं कि दो दिन में आ रही है, तीन दिन में आ रही है, जबकि हम आप लोगों के सामने ये कह चुके हैं कि हम अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रकार जो है स्वाभिमान को ठेस पहुंची है उस बैठक में, तो ठीक है, हम आपकी जो मांग है उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, हम उसको पुनः बैठक बुला लेते हैं, मगर वो उस बैठक को पुनः बुलाने की स्थिति भी पैदा नहीं कर रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो इस शहर में चूंकि उन्होंने जन्म नहीं लिया है, इसलिए शहर से